हेलो वेलकम बैक, मैं हूं गौतम और आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि एक ह्यूमन बॉडी यानी एक मेल बॉडी के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना होना चाहिए, किन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही है या कम है, वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सही हो रही है या वो लो हो रही है, तो वो कौन सी बातें हैं। वैसे तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमारा सेक्स हार्मोन है, ये हमारा प्रोड्यूस होता है हमारे टेस्टिस में और जो हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है उनकी ओवरीज में, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है, जैसे स्पर्म की प्रोडक्शन, बोन डेंसिटी, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करना, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, आपका स्टैमिना इंक्रीज़ करना, आपकी बॉडी के अंदर जो हेयर ग्रोथ होते हैं उनकी ग्रोथ को सही से करना, आपकी सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करना और एक गुड मसल मास को मेंटेन करना और उसे इंक्रीज़ करने में टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेक श्योर ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर सही चल रही हैं तो आपको टेस्टोस्टेरोन आपका जो लेवल है वो सही है। लेकिन कैसे पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो लो है, ये वो कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको अगर फील हो रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन शायद कम हो रही है। तो वो कौन से हैं सिम्टम्स? सबसे पहला होता है आपका लिबिडो, यानी आपकी लिबिडो लो लिबिडो और आपकी सेक्स ड्राइव स्लो हो जाना या उसको कम हो जाना, आपके अंदर स्टैमिना कम हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ चली जाएगी, आप जल्दी से फैट गेन करेंगे, आप थका हुआ फील करेंगे और आपका मूड स्विंग होता है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो लो टेस्टोस्टेरोन में मेजरली बहुत आसानी से पता चल जाते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको हेल्थी लाइफ अगर अपने डाइट के अंदर अच्छे से चेंजेस करेंगे, अपनी वर्कआउट को अच्छे से मेंटेन करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आप अपना नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि ये नेचुरल जो उसका रेशियो है वो होता क्या है। देखिए 17 से 18 साल की उम्र में ये पीक पे होता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप सही एज क्या बताएंगे किसी को वर्कआउट करने के लिए कि आपकी सही एज क्या है वर्कआउट करने की, तो मैं बोलूँगा 17 से 18 साल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी के अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा बन रहा होता है कि उस टाइम पे आप अपनी मसल की ग्रोथ अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे, उसे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि उस टाइम आपका हो रहा होता है 300 नैनोग्राम से लेकर के 1200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से ये आपका रेशियो होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है। लेकिन 18 से लेकर के 20 साल तक की उम्र में ये हो जाता है आपका 270 से लेकर 1050 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक। अब 21 साल से लेकर के 30 साल तक की उम्र में होता है 270 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 950 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये वो रेशियो हैं। अगर इसके बीच में आपका टेस्टोस्टेरोन चल रहा है तो उसका मतलब आप एक नॉर्मल वे में चल रहे हैं, नॉर्मल रेंज में आपका टेस्टोस्टेरोन है जिसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आपको एक अच्छी डाइट, एक अच्छा वर्कआउट और एक अच्छी लाइफस्टाइल की जरूरत है ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरल ही मेंटेन हो सके और आप उसे नेचुरल ही मेंटेन कर सकें। क्योंकि 30 साल के बाद हमारी बॉडी से हर साल 1% बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होता जाता है बाय एजिंग, जिसे आप एज बोलते हैं, एज के हिसाब से आपकी बॉडी की ग्रोथ कम होने लगती है। सेम वो यही रीज़न है क्योंकि बॉडी के अंदर 1% पर ईयर के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन आपका डाउन होता जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 साल के बाद आपकी डाइट, आपका वर्कआउट और आपकी लाइफस्टाइल एक हेल्थी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराने चाहिए, नहीं बिल्कुल कराने चाहिए और टाइम टाइम पर कराने चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपका जो बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नॉर्मल रेंज में है या नीचे है। अगर नीचे है तो आपको अच्छी डाइट की जरूरत है, अच्छे वर्कआउट की जरूरत है, एक अच्छे लाइफस्टाइल की जरूरत है। और अगर नॉर्मल रेंज में है तो उसे मेंटेन करने के लिए भी आपको अच्छी डाइट और अच्छे वर्कआउट की जरूरत है, जिसमें आपको किसी भी तरह का जंक फूड, ऑयली या शुगर, इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा अगर आपको अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में डालिए। मेरे पास बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं, मैं उनके ऊपर धीरे धीरे वीडियो लेके आने वाला हूँ, उनको कंप्लीट करने वाला हूँ।
तो ये वीडियो जो आज का था वो था लो टेस्टोस्टेरोन, यानी बॉडी के अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कितना होना चाहिए और लो है तो क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर आपकी बॉडी में वो सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स से आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय।